तो अभी हम लोग बैठे हुए थे भाई, ईद की चैलेंज की हम लोग तैयारी कर रहे थे। तो ईद के आने की खुशी कम है और रमजान के जाने का दुख है। मेहदी भाई आपको भी है ना? तो अभी हम लोग बैठे हुए और कल है अलविदा जुम्मा। टूट गया मेरे को क्या मसला। एवरीवन अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग पहले की तरह खैरियत से होगे, ठीक ठाक होगे। तू भी ओ जब आ रही अपने दांत पहले अंदर का। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग पहले की तरह खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो बस आज है भाई, आज है थर्सडे और 24 रमजान। अभी हम लोग चैलेंज वीडियो बना रहे थे। उसके बाद हम लोग ने क्या किया, अभी हम लोग बैठे हुए थे भाई, ईद की चैलेंज की हम लोग तैयारी कर रहे थे। बहुत ही कमाल से चैलेंज आने वाले हैं। आप लोग दोनों बता रहे हैं कितने कमाल के चैलेंज आने वाले हैं। वो आप लोग के सरप्राइज ईद डे 1, ईद डे 2 और ईद डे 3, ये आपको तीनों दिन ब्लॉग इंशाल्लाह चैलेंज मिलेंगे। सो अभी हम लोग क्या कर रहे थे, अभी हम लोग अलविदा, कल है भाई अलविदा जुम्मा। सो आप लोग को अफसोस है रमजान के जाने का। तो ईद के आने की खुशी कम है और रमजान के जाने का दुख है। मेहदी भाई आपको भी है ना? रमजान यार एक दुख होता है। तो खैर एनिमल्स, कल अलविदा जुम्मा है और कल देखते हैं कल क्या, कल आप लोग न्यू कुर्ते पहनेंगे। ये तो पोर्ट्री लगता है, पोर्ट्री। शरीफ बच्चा। और आप पुराना बनेंगे कि न्यू? अल्लाह तो वही तो अल्लाह पे छोड़ रहा। तो कल है भाई अलविदा जुम्मा और मैंने अभी रात से व्लॉग स्टार्ट कर दिया। मैंने कहा कुछ देखते हैं, अभी कुछ करने के लिए है तो पढ़ते हैं, वरना फिर क्या करते हैं। कुछ भी नहीं, बंद करो बस लेगिंग की दुकान। अभी हम लोग बैठे हुए और कल है अलविदा जुम्मा। टूट गया मेरे को क्या मसला। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। ठंडे शुरू यार, विदा मेरे को ठंड लग रही है, मेरे को अपनी जेब में छुपा ले, ठंडे मारना शुरू कर रहे हैं। चल भाई जा, तू बेटा तू जा बे, क्या कर रहा है? नहीं तुम चुप जाओ। सो गाइस कल है अलविदा जुम्मा, कब से मैं यही बोले जा रहा हूँ। और मेहदी भाई आप नाच सुनाते हैं भाई, अलविदा अलविदा माहे रमजान कोई रमजान अलविदा अलविदा भाई रमजान जा रहे हैं, मुहर्रम तोड़ना जा रहे हैं। सॉरी माय मिस्टेक जी। तो कल है भाई जुम्मा और अभी भाई सहरी होगी। सहरी से पहले हमने रात को व्लॉग स्टार्ट कर लिया। अभी मैं कोई नहीं, तुम ही रखते हो खाने पीने का। तुम ऐसी हो, हमें पता है। ये तुम भी ऐसी सारा दिन बाहर घूमते रहते हो। तो बाहर घूमते तो क्या रोजा नहीं होगा? हाँ नहीं होगा, पीरे होगा। तुम्हारे तरह दौड़े हैं बस सोते रहे। खैर एनीवेज अभी हम लोग ईद की थोड़ी तैयारी कर रहे थे कि ईद पे हम लोग क्या क्या चैलेंज करें। और आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओ कि हम ईद पे कौन कौन से चैलेंज करें। और आपकी ईद की तैयारी हो गई? आपकी वो ईद की तैयारी? मेरी ईद की तैयारी भी काफ़ी हद तक नहीं हुई, काफ़ी हद तक रह गई। सो अभी देखते हैं क्या है करने के लिए। कल अलविदा जुम्मा, कल मैं आपको इंशाल्लाह पूरा लुक दिखाऊंगा कि मैं क्या पहनने वाला हूँ। सो कल फिदा की जेब खाली होगी। फिदा भाई कल मेरे को ईदी चाहिए अलविदा जुम्मा की। आपको बोला था सही के उतारना, मैं आपको ईदी नहीं, मेरे को अभी कल शाम में चाहिए। चलो कल शाम में दे देंगे। और ये इतने मुफ्त है, इन्होंने पिछले साल की ईदी भी दी, अपनी ईदी जमा करके सुन लाएंगे। जाया नहीं करते पैसे, जाया नहीं करते। तो कह रहे हैं अभी देखते हैं करने के लिए क्या है, वरना फिर सुबह उठेंगे शहरी में। अगर शहरी में मैं जल्दी उठ गया तो मैं ब्लॉग की दुकान अपनी खोल लूंगा, वरना फिर सुबह। कितनी दुकान है? कोई कितनी दुकान? मेरी अल्हम्दुलिल्लाह एक ही दुकान है। मेरे को लगातार बात नहीं, सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह एक ही। तो मैं तुम्हारे अभी क्या करना है अभी? अबे मुंह से बोलना, मुझे क्या पता। सो कल आप कौन से कलर का ड्रेस पहनना है? सरप्राइज क्या सरप्राइज कल आप लोग को शाम? ये तो एक चने निकाल के दिखा दो, मान लो तो चने एक चने निकाल के दिखा।
फिर तो पेटू ये खा भी जाएगा सारे। ये देखें ये चने हैं। पर्पल छोड़ो दिखाना है कल आके, कल शाम में सबको आना और दिखाना है। तो मिलते हैं आपको फिर कल। तो डे टू स्टार्ट हो चुका है, सो मॉर्निंग हो चुकी है आपके भाई की। भाई अबे आज है भाई अलविदा जुम्मा, सो फटाफट से चलते हैं, नहाते धोते हैं, फ्रेश होते हैं और आपको दिखाते हैं अपनी लुक कि आज मैंने क्या कपड़े पहने और क्या नहीं पहने। रात बात ख़त्म हो चुकी थी, यहाँ पे डेट टू शुरू हो चुका है। सो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप लोग पहले की तरह खैरियत से होंगे। तो चलते हैं फटाफट से, रेडी होते हैं फिर मैं आपको मिलता हूँ। हो चुका हूँ बिल्कुल मैं फ्रेश और आप सबको मेरी तरफ से बहुत 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 जुम्मा मुबारक। और आज मैंने वाइट कुर्ता शलवार पहना और अलविदा जुम्मा है, इसके बाद जो जुम्मा आएगा वो फिर रमज़ान में नहीं आएगा। सो अलविदा जुम्मा आप लोग को बहुत मेरी तरफ से मुबारक हो। और नमाज वमाज मैंने पढ़ ली है और अब देखते हैं करने को क्या है। अभी चलते हैं छत पे और थोड़ी बहुत तस्वीरें शूट वूट करते हैं ताकि वो तस्वीरें आपको फिर मिलेंगी कहीं भी। इंस्टाग्राम अकाउंट पर मैं नाम नीचे लिखवा रहा हूँ, वो वाले इंस्टाग्राम पर अकाउंट पर जाके आप लोग फॉलो करो और लाइक करो। सो अभी चलते हैं ऊपर और थोड़ी बहुत तस्वीरें लेते हैं। और अभी मैं नमाज वमाज पढ़ का हूँ, मैंने कहा क्यों ना ब्लॉग बनाऊँ, तो मैं नमाज का ब्लॉग भी बनाया। तो और मैं कैसा लग रहा हूँ आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते। गाइस आफ्टर जुम्मा सब मैं काम से फ्री हो चुका हूँ। अब मैं आपने मेरा ड्रेस तो देख लिया और आप लोग भी मेरे को ज़रा कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि आपने कौन कौन से कलर के ड्रेस पहने। और आप लोग बताओ कि भाई आप लोगों ने ईद पे कौन कौन सा ड्रेस पहना, और मैं भी आपको बताऊंगा फिर मैंने ईद पे कौन सा। सो बहुत ही करीब है ईद, 24 रमज़ान है और बहुत ही भाई मैं जल्दी जल्दी वीडियो डाल रहा हूँ। तो इसी तरीके से तुम लोग जल्दी जल्दी लाइक और वीडियो को सब लाइक करो और चैनल को जल्दी 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 सब्सक्राइब करो और दूसरों को खुश रहने दो, खुश रहो, आबाद रहो जहाँ रहो। और रमज़ान आप लोग को मेरी तरफ से बहुत 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 मुबारक हो। और बाकी अल्लाह आप सबको खुश रखे। और इस रमज़ान मेरी सबसे दुआ है कि जिसने जितनी इबादतें की हैं और जितने रोज़े रखे अल्लाह, और जितने रोज़े रखेंगे सब अल्लाह उनको अपनी बारगाह में कबूल और मकबूल फरमा। और बाकी खैर एनिमल्स लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो। और तुम लोग अब बताओ कि कल की वीडियो में हम क्या करें। सो और तुम लोगों ने अलविदा जुम्मा कहाँ कहाँ पढ़ा और तुम लोग कल अलविदा जुम्मा कैसे रहा। तो आज हमारी जो दावत है तो मैं सोच रहा हूँ इसी ब्लॉग को इधर से ही एंड कर दें और फिर नेक्स्ट ब्लॉग में देखते हैं हम क्या करते हैं। और आप लोग बोलते हो कि भाई मैं शायरी से क्यों नहीं बनाता, तो भाई यही वजह है मैं शायरी से मैं उठता हूँ तो फिर मैं कल भी मैं भूल जाता यही आदत मेरा यूट्यूब चैनल भी है तो मैं ब्लॉग भी बनाता हूँ क्योंकि कल मैं बहुत जल्दी उठ गया था। सो खैर एनीवेज अभी हम देखते हैं क्या करना है। और अभी मैंने सोचा था एक बात ज़रूर कहूँगा वो देखो अभी मैं भूल गया। और बाकी लाइक करो मेरे यूट्यूब चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो। और ईद पे बताओ हम कौन कौन से नए नए चैलेंज करें और क्या क्या तुम लोग को ईद पे वीडियो चाहिए। सो मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए वीडियो के साथ। लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलना। मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।